नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आप अच्छे विचारों के साथ खुद को संघर्ष करते हुए पाएं तो आप संघर्ष करना छोड़ दें। आज हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, किस बात के लिए? सफल बनने के लिए या दौलतमंद बनने के लिए, या यूं कहें कि हर व्यक्ति संघर्ष इसलिए कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी में आर्थिक तौर पे स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। देखिए, सफलता वो होती है कि आप जब चाहे जहां चाहें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी लें। उसके लिए ना आपके जीवन में रुपए की कमी हो और ना ही समय की कमी हो। हर व्यक्ति के जिंदगी में सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है, लेकिन उसके मूल में यही होता है कि वो ढेर सारा रुपया कमाए, वो अमीर बने। वो इसी के लिए नौकरी पे जाता है, वो अमीर बनने के लिए ही अपना बिजनेस करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग अपने जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं और बहुत ज्यादा लोग पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते ही रह जाते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको रोकती है अमीर बनने से? वो कौन सी चीज है जो आपको रोकती है सफल बनने से? जी, आज इस वीडियो के माध्यम से ये चीज मैं आपको बताऊंगा और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि आप मेरी बातों से सहमत जरूर होंगे। लेकिन उससे पहले माफ करिएगा कि आपको सफल बनने से केवल एक ही चीज रोक रही है और वो है हमारे समाज का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति। आप स्कूल से पास आउट किए, आपने कॉलेज की पढ़ाई की, हो सकता है कि आपने मैनेजमेंट की डिग्री ली हो या हो सकता है कि आपने प्रोफेशनल डिग्री ली हो, लेकिन इन सारे शिक्षाओं का मतलब यही था कि आप एक नौकरी करो। ये सब मिलके एक ही बात को प्रमोट करते हैं, गो टू स्कूल, गेट अ गुड डिग्री, बिकम अ एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉय। स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा लो और नौकरी करो। इस एजुकेशन पैटर्न में कभी भी सफल कैसे बने, अमीर कैसे बने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने तो जहां से पढ़ाई की वहां ये तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। और अफसोस की बात ये है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद भी लोग नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी बात को दी जाती है। और नौकरी जितने लोग भी कर रहे हैं, माफ करिएगा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, मेरे भी घर में बहुत सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी इसी उम्मीद से संघर्ष करते हुए बिता देते हैं कि एक दिन वो अपनी जिंदगी में ढेर सारा रुपया बनाएंगे, लेकिन अफसोस कि कभी बन नहीं पाता है। आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आपकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष बना रहता है कि आप अपने बिजनेस को मेंटेन कैसे करें। मैं आज जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, अगर उन तीन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए कि आप सफल जरूर हो जाएंगे। सबसे पहला, हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में यह हमें बताया ही नहीं गया कि अमीर कैसे बने। और अमीर बनने के लिए सबसे पहली जो योग्यता है वो है व्यावसायिक योग्यता। आपको स्कूल में कब पढ़ाया गया? आपके टीचर्स ने या आपके पेरेंट्स ने कब आपको बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया या ये कहा कि नहीं बेटा नौकरी ना करो, आप बिजनेस करो? कभी नहीं। यानी कि जो बिजनेस की स्किल हमारे पास होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है धन प्रबंधन की योग्यता। आपके घर में अगर 15 साल 20 साल का कोई बच्चा हो, आप उसको 20,000-25,000 दे दीजिए और बोलिए बेटा इसका तुम क्या करोगे, हो सकता है कि वो फोन खरीदे या कहेगा पापा ये वाली बाइक ले लेते हैं, यही कहेगा कि पापा ये वाली LED TV अच्छी आई है ये ले लेते हैं। धन प्रबंधन की योग्यता हमारे जीवन में, हमारे इस मिडिल क्लास फैमिली में, हमारे सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके पॉकेट में कितना रुपया है, और जब आप घर आते हैं तो आपके पॉकेट में कितना रुपया बचा, इसकी जानकारी तो आपको खुद को नहीं है। यानी धन प्रबंधन के विषय पे अगर देखा जाए तो हम पूरी तरीके से लापरवाह हैं। कहां से रुपया आया और कहां गया हमें पता ही नहीं। और तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो है निवेश की योग्यता। यानी कि अगर आप जिंदगी में अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपके पास निवेश की योग्यता का भी होना बहुत जरूरी है। आपने कहां इन्वेस्ट किया है और उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर दिए।
ऐसे बहुत सारे हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो 8% के ब्याज पे लेके 15% पे धंधा करके और बीच का जो 7% का मार्जिन है उसका प्रॉफिट लेके वो उनको 8% का ब्याज दे देते हैं। यानी इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की योग्यता आपके पास अगर है तो आप निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। लेकिन हमारे एजुकेशन पैटर्न में, हमारे सोसाइटी में ये बिल्कुल है ही नहीं। बचपन से हमें इसी बात के लिए सींचा जाता है कि आप एक अच्छी शिक्षा लो और एक अच्छी नौकरी करो। इलाहाबाद के एक बहुत बड़े जज हुए हैं और बहुत बड़े शायर भी हुए हैं, अकबर इलाहाबादी साहब। उनसे किसी ने पूछा कि आपके जिंदगी का अचीवमेंट क्या है, आपने जिंदगी में क्या कमाया है, तो उन्होंने कहा कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। यानी ये उनके पूरी जिंदगी का अचीवमेंट था जो उन्होंने बताया। जिंदगी बड़ी शानदार है, बड़ी खूबसूरत है। जरूरी नहीं कि नौकरी से ही आपका लालन पोषण, आप अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं या आप जी सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने दायरे से बाहर निकलिए, सोचिए, आप अपने बच्चों को इन सब चीजों के लिए प्रेरित करिए, आप पढ़ाइए व्यवसायिक योग्यता क्या होती है, आप उनको बताइए कि धन प्रबंधन क्या होता है, आप उनको बताइए कि निवेश योग्यता कैसी होनी चाहिए। तब देखिए, जब बचपन से हम इसको सिंचित करेंगे, हम उनके जहन में इस बात को डालेंगे, तो आगे चल के वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरीके की योग्यता, इस तरीके की शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे, तो वो बड़ा होने के बाद जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएटर बनेंगे। वो कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी नहीं ढूंढेंगे, वो लोगों को नौकरी देने के लायक बनेंगे। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आप इस बात को गांठ बांध लें कि ये तीनों योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, धन प्रबंधन की योग्यता और निवेश की योग्यता, इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों योग्यताओं के बारे में मैं एक सीरीज पे आपसे जरूर बात करूंगा और बहुत जल्द मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो होगा स्कूल शिक्षा, कॉलेज की प्रोफेशनल शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। यानी इन तीनों शिक्षाओं के बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आगे मैं ढेर सारी वीडियो बनाने वाला हूं जिनमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्यवसायिक शिक्षा, धन प्रबंधन और निवेश की योग्यता को कैसे सीखें और कैसे अपनी जिंदगी में लागू करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सिंह।